था शायर सैफुद्दीन सैफ। 20 मार्च 1922 को अमृतसर के अदबी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अमृतसर से हासिल की। कयाम पाकिस्तान के बाद लाहौर में फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हुए। सैफुद्दीन सैफ को शुरू ही से शायरी से लगाव था। कॉलेज के ज़माने से ही बहुत सी उम्दा गज़लें कहीं। ताहम ज़्यादा शोहरत 1953 में फिल्म गुलाम और महबूबा के लिए गीत लिखने से मिली। लजती है क्या मेरी लट ना उड़ा, मेरा मुखड़ा बालम देखेगा, चल हट री हवा घूंघट ना उठा। सैफुद्दीन सैफ फिल्म इंडस्ट्री में मसरूफियत के बावजूद अदबी सरगर्मियों से वाबस्ता थे। नज़्में और गज़लें भी कहीं। इनकी शायरी की तसानीफ में खमे काकुल, कफे गुलफरोश और दूर दराज शामिल हैं। वो 12 जुलाई 1993 को अपने मद्दाहों को अफसरदा छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए थे। जान तू बेरुखी से क्या कह दे, मैं तेरा शहर छोड़।